हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना जो लॉग का जो हमारा लास्ट लेक्चर बचा हुआ है लॉगरिथम इनइक्वालिटी, आज हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों की वजह से लेक्चर जो है वो रेगुलर नहीं आ पाए थे, बट अब जो है आपको लेक्चर है वो आपको रेगुलर मिलेंगे। और हमारी एक जो लॉगरिथम का जो लास्ट लेक्चर बचा था हमारा, वो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम इनइक्वालिटी, आज हम उसको पूरा करेंगे। उसको डीप में समझेंगे भी थ्रू द ग्राफ, और उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो अब हम इस पर आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, लॉग हमको क्या पढ़ना है, हमारा है आज का टॉपिक लॉग इनइक्वालिटी। ठीक है, लॉग इनइक्वालिटी आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए लॉग इनइक्वालिटी में एक कंडीशन होती है आपके पास ए इज ग्रेटर देन वन वाली, मतलब जो बेस है लॉग का, जो बेस है वो एक बार होगा क्या वन से बड़ा। और एक केस आएगा जब जो बेस है वो जीरो से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा। आपके पास दो केस बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों केसेस को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं कि उसमें ऐसा क्या रहता है कि जिस टाइप से ये दो केसेस बने हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे ऐसे समझें, से इसके इन केसेस को आप कुछ इस तरह से समझें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है 2 इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं दोनों के बेस ले लूँ लॉग 2 इस टाइप से, ठीक है, लॉग यहाँ भी मैंने log 2 लिया 4। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों की log जो लेता हूँ, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा log 2 हो जाएगा 1, और ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा log 2 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 log की पावर 2। क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई ना कि अगर log के आर्ग्यूमेंट पे कोई पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, तो ये हो गया आपका 1, दैट इज 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और ये तो 1 हो गया आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है वो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा, इसी एग्जांपल को आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने बेस 1/2 ले लीजिए ना, 0 से 1 के बीच में आपने 1/2 ले ली, कुछ इस तरह से 1/2। ठीक है, यहाँ ले लीजिए 2 इज log, यहाँ 1/2, ये हो गया आपका 4। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर आपने लिया तो आप देख सकते हैं आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा log की पावर -1, है ना, क्योंकि ये 1/2, इसको -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 2, और ये लिखेंगे आप log की पावर -1, और इसको भी आप लिख सकते हैं log की पावर 2/2। ठीक है, तो इसके ऊपर पावर 1 है, ये हो जाएगा आपका -1, और ये हो जाएगा आपका log 2। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा और ये -1, तो ये हो जाएगा -2/1, ये हो जाएगा log 2। ठीक है, तो देखिए ये तो 1 होगा, ये दोनों दे बोथ बिकम 1। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम हो तो आंसर 1 आता है, तो ये 1 हो गया। ये आपके आ गया कितना, -1 इज लेस देन -2, लेकिन ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा, यू हैव टू टर्न द इनइक्वालिटी। तो आप इसको पलट के कैसे कर देंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि अगर जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में होती है, अगर जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में होगी तो आपको इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा लॉग हटाते समय। जैसे ही आप लॉग हटाएंगे आपको इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक बार मैं आपको ग्राफ भी बता देता हूँ। ठीक है, एक बार ग्राफ देख लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, चलिए ग्राफ कैसा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा log a x। ठीक है, यहाँ पे log x लिखा मैंने, जहाँ पर a इज ग्रेटर देन 1, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, मान लीजिए ऐसा कुछ करके कि x1 इज लेस देन x2, ये लाइन के ऊपर बना लेते हैं हम लोग इसको, ये आपका नंबर लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2। ठीक है, हम लोगों ने लॉग का ग्राफ देखा है वो कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो x1 है ये यहाँ टकराएगा। ठीक है, और ये जो आपको लॉग देगा ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से कुछ। ठीक है, दोनों के बेस सेम है। ठीक है, अब आप मान लीजिए यहाँ पे इसको यहीं कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए x1 इज लेस देन x2। अब दोनों तरफ एक ही सेम बेस का ग्राफ ले लीजिए आप, log a x1 इज लेस देन log a x2। अब देख सकते हैं अभी भी log x1 टू द बेस a इज स्मॉलर देन, इज लेस देन टू द log x2 टू द बेस a, इससे छोटा है। ठीक है, अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि x1 का जो ग्राफ है वो इधर आएगा, log x1 टू द बेस a, और यहाँ पे आएगा log
एक्स टू टू द बेस ए, यहाँ पे आ जाएगा। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बेस की बात करें तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये होगा आपका एक्स वन, ये होगा आपका एक्स टू, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये जो ग्राफ आएगा आपका ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका इधर आ जाएगा, इस पे आपका पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। जब आप इसका लेंगे, अभी भी यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, ठीक है, अभी भी वही सेम कंडीशन है। व्हाट इज कि जो एक्स वन है वो एक्स टू से अभी भी छोटा है। दोनों तरफ आपने लॉग लिया, ठीक है, लॉग ए एक्स वन, और ये हो गया आपका लॉग ए एक्स टू। लेकिन क्या है, हमें पता है कि अगर बेस किसकी होती है, बेस जो है, ठीक है, अब आप यहाँ दे भी सकते हैं ग्राफ से, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए एक्स वन और यहाँ हो जाएगा लॉग ए एक्स टू, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि अगर बेस जो है वो जीरो से वन के बीच में होती है तो इनइक्वालिटी को पलटना पड़ता है। अब क्यों पलटना पड़ता है, अब ग्राफ से देख सकते हैं कि लॉग ए एक्स वन जो है, ठीक है, लॉग एक्स वन टू द बेस ए, ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, है ना, ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो हमने जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको हमने क्या करा, यहाँ पे पलट दिया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ के कुछ थे लॉग इनइक्वालिटी के। अब हम इस पर कुछ काफ़ी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्या होगा, कुछ और आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन, अच्छा पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ स्टेप देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, लॉग 1/3 की पावर है हमारे पास कितना, आर्ग्यूमेंट है हमारा 5x-1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले जो आपको क्या करना है, आपको पहले कुछ स्टेप्स आपको लिखनी होगी। पहला क्या है कि स्टेप वन में आपको सबसे पहले निकालना है डोमेन। आप सबसे पहले निकालेंगे डोमेन, आपको डोमेन निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। लॉग के आर्ग्यूमेंट में जो भी लिखा है पहले उसका आप डोमेन निकालें। उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 5x-1 है, ठीक है, 5x-1 इसको आपको हमेशा ज़ीरो से बड़ा रखना होगा, हमेशा। लॉग का आर्ग्यूमेंट जो भी हो आपको उसको ज़ीरो से बड़ा रखना है हमेशा। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 उस तरफ जाएगा और फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 1/5, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x belong to 1/5 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी लगी है तो दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। सबसे पहले आपको डोमेन निकालना है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप, ठीक है, स्टेप टू में आपको क्या करना है, आपके पास जो भी लॉग में इनइक्वालिटी दी हुई है आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखिए, ये हो जाएगा लॉग 1/3 5-x इज ग्रेटर देन 0। ये 1/3 को इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो 1/3 है वो 0 से 1 के बीच में है तो लॉग की इनइक्वालिटी चेंज होगी। मतलब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x-1 इज लेस देन 1/3 की पावर 0। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 5x-1 लेस देन 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x इज लेस देन 2 या फिर x इज लेस देन 2/5। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। स्टेप 1 डोमेन निकालना है, स्टेप 2 में आपको जो इनइक्वालिटी दी हुई है लॉग के साथ आप उसको सॉल्व करेंगे, और थर्ड स्टेप 3 टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इक्वेशन। आपको दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने के लिए ये लाइन होगी आपकी, ठीक है, यहाँ कितना है 1/5 से लेके इन्फिनिटी, तो 1/5 आपका इधर आएगा, ये 1/5 हो गया, ये आएगा आपका 2/5, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए, ये वाला जा रहा है 1/5 से इन्फिनिटी, ये ओपन आएगा यहाँ पे और ये निकल जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये वाला जो है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2/5 तक, इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आप कैसे लेके जाएंगे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ओपन सर्कल आएगा और ये कुछ आपका इस टाइप से निकल जाएगा, ठीक है, और ये आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका इसका आंसर आएगा एक्स बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 1/5 से लेकर 2/5 तक, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए, तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे जो बेस थी वो 0 से 1 के बीच में थी, अब जो बेस हम लेने वाले हैं वो क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज जिस टाइप से सॉल्व किया था उस टाइप से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, लॉग हटा दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 3। अच्छा, पहले डोमेन निकाल लेते हैं इसका, सबसे इंपॉर्टेंट तो डोमेन है,
ठीक है, तो डोमेन आएगा आपका ग्रेटर देन जीरो में, ये जाएगा आपका एक्स इज ग्रेटर देन 1/3, ये आपका इसका डोमेन आ गया। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। जिन्हें ये नहीं पता है कि x इज ग्रेटर देन 1/3 को हमने ऐसे क्यों लिखा, वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लेक्चर देख सकते हैं जाके, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताया कि आप इसे किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये सेकेंड अगर आप निकाले, ये डोमेन हो गया है ना, दिस इज डोमेन, डोमेन ये आपने डोमेन निकाला, ठीक है। अब सेकेंड वाले पे आते हैं, हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, लॉग हटा देंगे दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 3x-1 इज लेस देन 5 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि जो बेस होता है, जब बेस आगे जाएगा तो आर्ग्यूमेंट इस टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कितना हो गया आपका 3x-1 लेस देन 5, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 3x लेस देन 6, या फिर आप बोल सकते हैं कि x इज लेस देन 3 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 ओपन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या लेना है हमको, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन होगी हमारी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/3 और ये हो जाएगा हमारा 2 का हमारा इन्फिनिटी ओपन सर्कल के साथ जाएगा यहाँ पे, और जो 1/3 है वो ओपन सर्कल के साथ आएगा यहाँ पे, ये हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा x बिलोंग टू 1/3 से लेकर 2 तक, यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मूविंग फॉरवर्ड, कितना है हमारा 1/3 2/2, ठीक है, ये बिल्कुल हमारा 13 का क्वेश्चन था ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, आर डी शर्मा से ही मोस्टली हैं, है ना, मतलब आर डी शर्मा में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये तो हमारे रेफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से मिल जाए, एक लेते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक टाइप का, ठीक है, एक लेते हैं लीनियर में, मान लीजिए क्वेश्चन कभी ऐसा मिल जाए आपको, क्वेश्चन है हमारा लॉग 0.5, उसके बाद है आपका 1 प्लस 2x और फिर लिखा है आपको इज ग्रेटर देन -1, कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डोमेन निकालना है आपको, 1 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x इज -1 से हो जाएगा, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन आपका -1/2 से बड़ा आना चाहिए, है ना, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा इसका, x डोमेन कितना जाएगा आपका -1/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा हमारा, हम इसे कुछ इस टाइप से लिखेंगे, log 5/10 1 प्लस 2x इज लेस देन -1, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका log 1/2 1 प्लस 2x इज -1, ठीक है, इस टाइप से। अब ये जो था, यहाँ देखें आप, ये 1/2 है, ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में है, ये इस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी को आपको बदलना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x लेस देन, ये आपका हो जाएगा 1/2 की पावर इनवर्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था इनवर्स का, कि अगर किसी भी नंबर की पावर इनवर्स होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, मतलब उसे पलट सकते हैं, मतलब उसे कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मैं इसको अंदर वाले आर्ग्यूमेंट को, मतलब बेस को पलट दूंगा, जो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव 2 आएगा, है ना, मतलब ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो आप इसको पलट दीजिए, 1/2 है तो इसको 2/1 कर देंगे, है ना, इस टाइप से, तो ये क्या होगा, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 1, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि फिर x इज लेस देन 1/2 हो गया आपका, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फिर से दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, तो इंटरसेक्शन आप लोग कैसे ले सकते हैं, चलिए यहाँ ले लेते हैं, ये इंटरसेक्शन के लिए ये है आपका -1/2 इधर आएगा, -1/2 ये है आपका 1/2, -1/2 से ये आपका इन्फिनिटी तक, और ये आपका पॉजिटिव 1/2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको इस टाइप से, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी जैसा वैसे कुछ होता नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नोशन टू रिप्रेजेंट समथिंग, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया आपका, तो आपका आंसर कितना आ गया, इसका आ गया x बिलोंग टू -1/2 से लेकर
पॉजिटिव 1/2, इट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन टाइप में मिल जाते हैं, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 1। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा। तो ये लेस देन नहीं, ग्रेटर है। ठीक है, ये ग्रेटर टाइप में, इस टाइप में। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, डोमेन निकालेंगे अपना। ठीक है, डोमेन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका x माइनस 2 और ये आएगा आपका x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, ठीक है ना। आप इसको स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 मिलेगा आपको। अगर इसको निकालते हैं, ठीक है, इसे नंबर लाइन पे करेंगे आप प्लॉट, तो आपके रूट कितने आएंगे यहाँ पे, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा रूट। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस। अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लेक्चर नहीं देखे तो हम वो देखें, तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रीजन लेना है यहाँ पे इस टाइप से। तो आंसर हो जाएगा आपका x बिलोंग टू, ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ये जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी तक। तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, 2 ओपन यूनियन से लेके 3 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका इसका जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पे ये लिखा था 0.5 को हमने 1/2 लिखा था और उसको इस तरफ से भेजा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर माइनस 1। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, ये जो था अभी जस्ट बताया था कि अगर ये 1/2 माइनस 1 है तो उसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म में इसे आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो थी, जब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, इनइक्वालिटी मतलब जो लॉग हटाया था, तो ये इनइक्वालिटी को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2 लेस देन 0, या फिर इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। अब इसे स्प्लिट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से स्प्लिट हो जाएगा, x माइनस 4x माइनस x प्लस 4 0। ठीक है, तो और इसे आप तोड़ ले सकते हैं, तो आप ये हो जाएगा आपका x कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 इज लेस देन 0, या फिर x माइनस 1 x माइनस 4 इज लेस देन 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए, मैंने एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ में ये बताया था कि अगर ये कभी लेस देन होता है तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप बिटवीन द रूट्स आंसर लिख सकते हैं। मतलब इसका आंसर कितना आएगा आपका, एक्स बिलोंग टू 1 से लेकर 4 तक, है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। आप चाहें तो अब इनका क्या करना है, हम दोनों को, हमें इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करना है, इनका हमें इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आप ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब वहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखिए 1, 4 है और 2, 3 है, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, ये ओपन सर्कल आएगा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक, फिर एक जा रहा है आपका 3 से लेके इन्फिनिटी तक और एक आएगा 1 से लेके 4 के बीच में इस टाइप से। तो ये आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 1 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके 4, यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब कुछ मान लीजिए क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो उन फ्रैक्शन वाले फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कभी आपको ऐसा मिला, लॉग 7 आपको मिलता है 2x माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलता है आपको। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले तो डोमेन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ये आपको इसका डोमेन लेना है। ठीक है, इसका डोमेन लेंगे तो इसका रूट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा 6/2। ठीक है, जब आप इन दोनों के रूट लेंगे तो मिलेगा 6/2, जिसे आप क्रॉस करेंगे तो आपका आएगा 3,
और एक आप लेंगे तो इसका मिलेगा आपको 1/2, ठीक है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप इनको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 और ये हो गया आपका 3, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इसको लॉग को सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग हटा के 7 इस तरफ भेज देते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो 2x-6 ये हो जाएगा आपका 2x-6 डिवाइडेड बाय 2x-1 और ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x-6 होल डिवाइडेड बाय 2x-1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब 1 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x-6 -1 होल डिवाइडेड बाय 2x-1, होल नहीं आएगा मतलब ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपका -1 ट्रांसपोज हो गया आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा एलसीएम लेके 2x-6 -2x+1 होल डिवाइडेड बाय 2x-1 इज ग्रेटर देन 0, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, -1 -6 +1 होगा माइनस का 5, तो ये हो गया आपका 2x-1 इज ग्रेटर देन 0, ये माइनस साइन को पलट देगा तो हो जाएगा 5/2x-1 इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से रूट निकाल लीजिए, तो यहाँ से भी वही होगा क्योंकि 2x-1 है, तो x का रूट आएगा 1/2, है ना, 1/2, इट मीन्स आंसर आएगा आपका 1/2 से लेकर, सॉरी ये 1/2 से लेकर नहीं आएगा, ये आपका आएगा x बिलोंग टू, ये 1/2 है और क्योंकि लेस देन है तो ये आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इन्फिनिटी है, चलिए अब आगे थर्ड, फिर से हमें उसका इंटरसेक्शन लेना है तो ले लेते हैं, ठीक है। कितना दिया है, अब देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें सेम है, दिस बोथ आर सेम, है ना, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या लेना है इसका, यही हमें इंटरसेक्शन लेना, तो आई थिंक हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, +1/2 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा 3, ठीक है, ये जा रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी यहाँ तक और ये जा रहा है आपका इधर पे, ये भी हमारा सेम है, बोथ दिस इज ऑल्सो सेम, ठीक है, एग्जैक्टली, यदि ये भी सेम है हमारा, तो अब इस पर भी हम वही प्लॉट करेंगे तो हमें आंसर यही मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2, यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए कभी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मान लीजिए जिसकी बेस है और वो रेशनल में है, मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाए log 1.5 और आपको दिया है 2x-8 होल डिवाइडेड बाय, ये है आपका x-2 इज लेस देन 0, ये क्वेश्चन मान लीजिए कभी कुछ इस टाइप से मिलता है आपको, ठीक है। तो देखिए इसकी बेस जो है वो 1 से कम नहीं है, क्योंकि इसकी बेस जो है वो 1.5 है ना, ये 1.5 है। बच्चे कई बार गलतियां करते हैं, वैसे नॉर्मली हर बच्चा नहीं करेगा, अब IIT की तैयारी कर रहे हैं, NIT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतने तो इक्विप्ड हैं कि आप चीज़ों को समझ सकें, ये 1.5 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, पहले तो मैं इसका डोमेन निकाल लेता हूँ, इसका मैं लिखता हूँ 2x-8/x-2, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0 ही है जी, बिल्कुल ये 0 ही है, ठीक है। यहाँ से आप रूट निकालेंगे तो मैं बता दूँ आपको, ये आएगा आपका एक तो 4 आएगा, एक आपका 2 आएगा, और नंबर लाइन पर जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो ये आएगा 2 आपका, यहाँ आएगा आपका 4, प्लस माइनस प्लस, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक यूनियन 4 से लेके आपका इन्फिनिटी तक, ये आपका इसका आएगा, ठीक है। अब चलिए ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये 1.5 है, तो ये बन जाएगा आपका log 15/10, इसको जिसको आप रिड्यूस कर देंगे तो बन जाएगा 3/2, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2x-8/x-2 इज लेस देन 0, ठीक है ना, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका, जिसको बेस को मैंने सिर्फ कैंसिल किया था, यहाँ पे सिर्फ बेस को मैंने कैंसिल किया था, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार और, ये 15/10 है, ये है आपका 2x-8 और ये हो जाएगा आपका x-2, ठीक है, और यहाँ से जब इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 3/2 2x-8 /2 इज लेस देन 0, ये कुछ इस टाइप से आएगा, 3/2 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x-8 / x-2 इज लेस देन
थ्री टू थ्री की थ्री अपॉइंट टू की पावर 0। देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बेस ऑलरेडी 1 से बड़ी थी, ठीक है, तो चेंज नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 इज लेस देन 0, यानी कि कितना हो गया आपका 2x माइनस 8, है ना, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका, है ना। चलिए इस तरफ कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस 1 है तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो देखिए 2x माइनस एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 प्लस 2 कितना होगा, ये होगा आपका माइनस 6 होल डिवाइड बाय x माइनस 2 इज लेस देन 0, यानी कि रूट कितने जाएंगे यहाँ से, 6 और 2 आएंगे, है ना। और क्योंकि देखिए यहाँ पे x का एक आएगा आपका 6 और एक आपका आएगा 2, यानी कि आप इसे 2 6 लिख लें, 2 6, है ना। आप इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, आप इसे नंबर लाइन पर जब प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो नंबर लाइन पर कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 6 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन है तो सिर्फ बिटवीन द रूट्स आंसर आएगा, तो हो जाएगा आपका 2 एंड 6, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए इसको नंबर लाइन पे और प्लॉट कर देते हैं इसे थोड़ा, ठीक है, इसे नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं पूरे को, ठीक है। चलिए देखें आप, ये जो है इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, नॉट अ स्लैंटिंग लाइन, दिस शुड बी अ स्ट्रेट वन, राइट, दिस शुड नॉट बी द स्लैंटिंग लाइन विच आई मेड अर्लियर, दिस शुड बी द स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 6, ठीक है, और एक जा रहा है माइनस 2 से इन्फिनिटी और एक जा रहा है 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, और 2 टू 6 एक हमारा अलग चल रहा है इस टाइप से। तो इन्फिनिटी वाला पार्ट आपका सिर्फ इतना आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन, नॉट इन्फिनिटी, दैट्स इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका ये है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका x बिलोंग टू 4 टू 6, ठीक है। तो देखिए लॉग इनइक्वालिटी में जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, चाहे आप ये रेशनल लीजिए, इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक का भी बताया था, उससे पहले हमने कुछ लीनियर के क्वेश्चन देखे थे, तो लीनियर मतलब लॉग इनइक्वालिटी में सारे तीन जो टाइप हैं, चार टाइप हैं जो मैंने सारे कवर कर दिए। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको निमसेट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे निमसेट के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे निमसेट टिप्स एंड ट्रिक्स करके एक फोल्डर है, आप वो देख सकते हैं, या फिर आप निमसेट इन्फो देखेंगे तो वहाँ भी एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, वो आप पूरा देखेंगे तो आपको निमसेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसको बैच ज्वाइन करना है, अगर आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ बैचेस आर अवेलेबल। थैंक यू।